वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश दीप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आज चलेंगे जो हमारा चल रही है सीरीज इंडियन पॉलिटी टॉप 100 प्लस क्वेश्चंस की, आज देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व ग्रहण किए गए। ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी आयरलैंड से, ऑप्शन सी USSR से, ऑप्शन डी फ्रांस से। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन बी आयरलैंड से। आयरलैंड से। भारतीय संविधान के भाग कौन सा है? भाग चार अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक उपवंती राज के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। नीति निदेशक तत्व संविधान की एक प्रस्तावना से परिकल्पित सामाजिक आर्थिक न्याय तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना के विचार से समाविष्ट है। वाद योग न होते हुए निदेशक तत्व शासन संचालन के मूल आचार है। नीति निदेशक तत्व के अतिरिक्त राज्य सभा व राज्यों की विधान परिषदों में विशिष्ट सदस्यों को मनोनीत किया जाने की व्यवस्था थी। व्यवस्था भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। USSR के संविधान में मूल USSR के जो लिया गया है, बता देता हूँ, लिख देता हूँ मैं, USSR से क्या लिया गया है संविधान में, मूल कर्तव्य। और ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन पद्धति, एकल नागरिकता, संघ राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति आदि तत्वों को ग्रहण किया गया है। फ्रांसीसी संविधान से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लिया गया है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न नंबर दो पे। प्रश्न नंबर दो में दिया हुआ है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी एकल नागरिकता, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 तक अंतर्गत नागरिकता की चर्चा की गई है। हमारा संविधान यद्यपि परिसंघीय है, फिर भी इसमें एकल नागरिकता की व्यवस्था है। अमेरिका की तरह संघ व राष्ट्र की दोहरी नागरिकता यहाँ नहीं है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार रूप से सम्मिलित नहीं है? दिया हुआ ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी संघ गठित करने का अधिकार, ऑप्शन सी सभा करने का अधिकार, ऑप्शन डी देश के किसी भी भाग में जाने और निवास करने का अधिकार। इसमें दिया प्रश्न में दिया था ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार। यह संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संविधान के मूल अधिकारों से
संबंधित अनुच्छेद 19(4) और अनुच्छेद 31 में सम्मिलित संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के संविधान के अनुच्छेद हटा के फिर अनुच्छेद 300 काम में रख दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार रह गया है जिसके उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 व 226 के अंतर्गत न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 19(3) के अंतर्गत संघ बनाने का अधिकार तथा अनुच्छेद 19(5) के अंतर्गत देश में कहीं भी बस जाने का अधिकार है, ये सभी मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। निम्नांकित में भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 19, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों के अंतर्गत समस्त समता के अधिकार अनुच्छेद 14 से समता के जो अधिकार हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। इसी के अनुच्छेद के प्रावधान को लागू करने हेतु अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 संसद द्वारा पारित किया गया और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष 14 जो दिया हुआ है अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता तथा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की नागरिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी महाभियोग के द्वारा, ऑप्शन डी न्यायालय में ट्रायल द्वारा। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी महाभियोग के द्वारा। इसे इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं। महाभियोग के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद को धारण करेगा, परंतु इस अवधि के पूर्व भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने लेख द्वारा त्याग पद दे सकता है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग प्रस्ताव को संसद के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। ऑप्शन ए प्रशासनिक अधिकारी, ऑप्शन बी एक न्यायिक सलाहकार, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री का सलाहकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी एक न्यायिक सलाहकार। अनुच्छेद 76 के तहत अंतर्गत राष्ट्रपति महान्यायवादी
अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति अपने प्रसाद प्रत करता है, जो कि सरकार को विधि संबंधित मामलों पर सलाह देता है। इसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की भी नियुक्ति की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं और इसे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स।